तो हेलो गाइस, हेलो डियर फैंस, टू कलेक्टर, इट्स मी शेर सिंह। और आज हम लोग एक और एपिसोड लेकर गए एनिमे मेनिया का। तो फाइनली हम लोग एक और एपिसोड लेकर गए एनिमे मेनिया का। आज के एपिसोड में थोड़ा सा डेमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन के इंडियन रिलीज के बारे में बात करें। मैं जानता हूँ मैंने बोला था 15 जुलाई को ये रिलीज होनी है, तो उसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। फिर थोड़ा सा बात करेंगे जो डेमन स्लेयर का गेम है। हाँ, आज के एपिसोड में बस इतना ही है, तो चलिए शुरू करते इस एपिसोड को। पहले हम बात करेंगे डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन के बारे में। तो डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन के इंडियन रिलीज से एक अपडेट आई है। मैंने याद है पिछले एपिसोड में बोला था कि 15 जुलाई को डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन आ रही है इंडिया में, बट मैंने कहा शायद, आई वॉज स्टिल नॉट श्योर। और यस, तो मेरी काइंड ऑफ बात सही हो गई। टेक्निकली ये न्यूज़ को ब्रेक किया था सबसे पहले सेम्पाई नेटवर्क ने, और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं सेम्पाई नेटवर्क को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यार। हम लोग को जहाँ से अपडेट मिलती है, ओटेक्स वालों ने डाला था 15 जुलाई को आएगी। अब यार ओटेक्स वालों ने पहले ड्रैगन बॉल जी की मूवी लेके आए थे इंडिया में, तो हमको लगा ऑब्वियसली यार डेमन स्लेयर की मूवी है। बट मैं स्टार्टिंग से कह रहा था मुझे लग रहा है कि अगस्त के टाइम ही आएगी, और काइंड ऑफ मेरी बात अब धीरे धीरे सही हो रही है। आई थिंक दिस डेमन स्लेयर की मूवी अगस्त में ही आएगी, बट क्या पता। बट अभी PVR वालों को मैंने उनके एक पोस्ट के नीचे कमेंट किया था कि व्हेन विल डेमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन विल रिलीज, कि कब आप लोग डेमन स्लेयर मूवी को रिलीज कर रहे हो। तो उन्होंने फिर ये कमेंट डाला जो ये तो अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ऑब्वियसली अब ये हम फैंस के ऊपर है। PVR ने कहा अब ये सारे फैंस के ऊपर है कि ये मूवी को लाने के लिए। तो यार मतलब इनडायरेक्टली ओटेक्स वालों से बात हो गई है, PVR मूवी को लेके आ रहा है। इट्स जस्ट अ ट्रिक, PVR लाइक काइंड ऑफ प्रमोट कर रहा है कि हाँ मूवी लेके आ रहे हैं। और यार PVR एक और चीज़ कर रहा है कि सपोर्ट करना है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि जो बात मैंने बोली थी कि अगर ये मूवी चल जाती है फिर हम लोग को और मूवीज देखेंगे, जैसे माय हीरो अकेडेमिया की मूवी, स्वॉर्ड ऑनलाइन की मूवी, डिटेक्टिव कोनैन की मूवी, और भी बहुत सारी मूवीज जो फ्यूचर में आने वाली है, जुजुत्सु काइसन की मूवी, जो भी जितनी भी मूवीज है सब इस मूवी के ऊपर है। अगर ये मूवी इंडिया में चल जाती है तो ही ओटेक्स और PVR एनिमे मूवीज को लेके आएगी, क्योंकि अभी भी PVR नॉट श्योर है, क्योंकि माय हीरो अकेडेमिया के रिस्पॉन्स के साथ PVR हैप्पी नहीं था। बट लाइक नॉर्मली PVR हैप्पी था, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद पैंडेमिक के समय ऐसी मूवीज कौन देखेगा। बट ये दोनों मूवीज चल गई, मैंने मेरी बात हुई थी वहाँ के मैनेजर से, जो जब यहाँ पे मैं देखने आता हीरो राइजिंग और टू हीरोज, उनने कहा था ये इतना बढ़िया रिस्पॉन्स हुआ आफ्टर वन वीक के बाद मैं फिर गया था उनसे बात करने के लिए, जब मैं गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग देखने गया था। तो उन्हें बताया था दोनों मूवीज़ का रिस्पॉन्स बहुत ही सही रहा। और हाँ, तो अभी पूरा एनिमे के मूवी रिलीज़ का पूरा हाल अभी डेमन स्लेयर के ऊपर है और अपने एनिमे कम्युनिटी के ऊपर है कि तो फिर हम लोग को अभी करना है कि जाके, हाँ आई एम नॉट सेइंग कि जाओ देखो, इट्स लाइक आई एम लाइक सेइंग सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, पूरा जो है गाइडलाइंस उनको फॉलो करके हम लोग को ये मूवी देखने जाना चाहिए। लाइक इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस मूवी आप सपोर्ट करिए। तो मैं जानता हूँ बहुत लोग कहेंगे यार ये मूवी आ चुकी है ऑनलाइन है, तो है। मैंने कहा देखो यार, अगर तुम लोग चाहते हो कि एनिमे इंडिया में आए और फिर तुम लोग ये बोलते हो तो फिर इस तरीके से एनिमे इंडिया में नहीं आएगा। बट यार थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स लाइक तुम लोग पहले रिक्वेस्ट करते हो फिर उसके बाद कहते हो कि नहीं अब क्या जरूरत है। यार एनिमे को हमको धीरे धीरे करके लीगल करना है यार इंडिया में। कितना इलीगल देखोगे अब एनिमे में इंडिया में बैठे बैठे, अब लीगल करना है इसको, लाइक यार अब सामने लाना है लोगों के। तो यार जाओ सपोर्ट करना डेमन स्लेयर को जब वो PVR में आएगी। और हाँ, तो यही था म्यूगन ट्रेन का अपडेट जो था। अब नेक्स्ट चलते हैं जो गेम से रिलेटेड है,
जो हिमाडानी कैपिटान से, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर की जो गेम है, डीमन स्लेयर कनेत्सुया हिमाडानी कैपिटान या डीमन स्लेयर, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जिसमें जापनीज इंग्लिश जिसमें बोलना चाहते हो। तो वैसे स्क्रीन पे इसका गेम प्ले चल रहा है, तो अगर आपको गेम प्ले बिना मतलब नॉर्मली देखना है विथ वॉइस, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन होगा, जाके देखिए इस गेम प्ले ट्रेलर को। तो अभी हम लोग ने बात करना था, जिस अपडेट में देना चाहता था वो ये है कि पिछली बार हम लोग को लगा था कि स्कारलेट नेक्सस जो गेम है, जो बैंडा नामको के तरफ से, वो आने वाली थी, बट इनडायरेक्टली वो नहीं आई, इंडिया में नहीं आ पाई थी। तो मुझे लगा कि अगर स्कारलेट नेक्सस नहीं आई तो फिर डीमन स्लेयर भी नहीं आएगी, बट नहीं, फिर एक साइट है जो गेम्स का पूरा वो करते हैं ब्रांड मतलब सेलिंग वगैरह, गेम द शॉप, उन लोगों ने अनाउंस किया है कि डीमन स्लेयर की गेम जो हिमाडानी कैपिटान है वो आ रही है इंडिया में। इसके प्री ऑर्डर शुरू हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ प्ले स्टेशन 4 और 5 के लिए हुए हैं, एक्सबॉक्स के लिए नहीं हुए हैं। स्टीम पे तो वैसे भी सीडीज नहीं आती स्टीम की, वो तो आप ऑनलाइन जाके स्टीम पे अब कर सकते हो। तो हाँ, तो उसकी फ़ोटो ये रही। तो ये गेम पड़ रही है 3800 की। नॉर्मली प्ले स्टेशन के गेम्स 4 और 5 की गेम्स आती हैं 4000 रुपीज़ की, बट नहीं, ये गेम पड़ रही है हमको 3800 की। तो यार थोड़ी सी सस्ती पड़ रही है, और लाइक इसकी कंपनी एक बार चेंज हो चुकी, पहले इस गेम को बैंडा नामको बनाने वाली थी, फिर बैंडा नामको ने छोड़ दिया, तो अब इस गेम को बना रही है सेगा। यस, सेगा जो सोनिक और भी अलग अलग गेम्स बनाती है। इस बार का जो प्ले स्टेशन का जो हुआ था इवेंट, मतलब जो छोटा सा होता था शेयर प्ले जो वाला होता है, तो उसमें इस गेम का अनाउंसमेंट हुआ था, सेगा इस गेम को लेके आ रहा है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि इस गेम में सीज़न 1 को कवर करेंगे। अब ये नहीं बताया कि शायद म्यूगन ट्रेन को भी कवर करेंगे। तो यही था आज का अपडेट जो गेम से रिलेटेड था डीमन स्लेयर के। तो 15 अक्टूबर को ये गेम आ रही है, तो हम डेफिनेटली जब मैं जाऊंगा तो उसका एक व्लॉग बनाऊंगा और अनबॉक्सिंग करेंगे। वैसे मैंने अपना एक एनिमे चैनल भी शुरू किया है, तो अगर आपको उसको सब्सक्राइब करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा, जाके सब्सक्राइब करिए। तो उस पर भी वीकली अपलोड्स होते हैं। तो यही था, इसलिए मैं बिजी था कुछ टाइम से, तो मैं यहाँ पर नहीं, बट यहाँ पर भी मैं रेगुलर होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज के एपिसोड के यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और नेक्स्ट जो भी अपडेट आएगी उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। बट कह रहे हैं कि अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड जब भी हमें निकालूंगा, तब तक शायद हमको डीमन स्लेयर का सीज़न 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, एक नया ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था जिसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा, तो जाके देखिए। तो इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, और मिलते हैं ऐसी चटपटी वीडियो में नेक्स्ट टाइम। पीस एट द कैमरा, बाय।